आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या आपने कभी सोचा है लाइफ क्या है क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक सिंगल सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज़म बनता है क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है वेल well, अगर कुदरत को देखने से आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल आते रहते हैं तो कन्ग्रेजुलेशंस यू आर ऑलरेडी बी थिंकिंग लाइक अ बियोलॉजिस्ट सो so, इन सवाल के जवाब हासिल करने के लिए आपको एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेनी होगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होती है जो कंप्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करके लाइफ को समझने में मदद देती है हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को रिडक्शनिस्ट अप्रोच के जरिए स्टडी करेंगे रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब है कि हम कम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ मूव करेंगे सो आवर फर्स्ट कम्प्लेक्स लेवल विल बी बायोस्फीयर हर वो जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर कहलाती है अब हम जानते हैं कि पूरी दुनिया यानी कि अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है सो वी कैन से दैट अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इकोसिस्टम इकोसिस्टम एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एमेजोन फॉरेस्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट या एबियोटिक फैक्टर्स से मुराद ऐसे कंपोनेंट या फैक्टर्स हैं जिनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है या जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं फॉर एग्जाम्पल सॉइल वाटर एटमोसफियर एक्सेट्रा नाओ द नेक्स्ट लेवल ऑफ biological ऑर्गेनाइजेशन इज community. Community एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बोलते हैं फॉर example, ऑल लिविंग organism ऑफ Amazon फॉरेस्ट contributes फॉर कम्युनिटी इसका मतलब है कि ecosystem और कम्युनिटी के अंदर फर्क सिर्फ एबियोटिक फैक्टर्स का हुआ यानी एकको से एबायोटिक फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो पीछे बायोटिक फैक्टर्स बचते हैं और इन ही फैक्टर्स की स्टडी को कम्युनिटी कहा जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक सेम स्पेसिफिक स्पीशी की ग्रुपिंग या प्रेजेंस को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ लाइन इन एमेजन फॉरेस्ट और पॉपुलेशन ऑफ यूक्लिप्टस इन एमेजॉन फॉरेस्ट एटसेट्रा जो कि सिर्फ एक पार्टिकुलर स्पीशी तक महदूद है अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म जैसा कि ट्री और डॉग लाइन ह्यूमन ये सारे एक ऑर्गेनिज्म है नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा बॉडी पार्ट है जो बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर एग्जांपल लीफ हार्ट किडनी वगैरह और जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर कोई एक स्पेसिफ़िक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक माउथ एसोफेगस स्टोमिक इंटेस्टाइन वगैरह मिलकर डाइजेशन का काम सर अंजाम देते हैं और इसी को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू बॉडी के अंदर टिश्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है बेसिकली टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल एपीथिलियल टिश्यू जो बहुत सारे ऑर्गन और वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं और सिक्रीशन और प्रोटेक्शन का, का काम सर देते हैं नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सेल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करवाता है नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनली एक्चुअली ऑर्गेनलीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनलीज को हम लेबर्स इनसाइड द सेल कह सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनलीज ही सेल की स्ट्रक्चर बनाने में और सेल को फंक्शन करवाने में मदद करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज मालिक्यूल मालिक्यूल ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एटम्स से मिलकर बनते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलियंस ऑफ क्लोरोफिल मालिक्यूल होते हैं और यही क्लोरोफिल मालिक्यूल क्लोरोप्लास्ट को फंक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से होल प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के काबिल बनते हैं नाउ द लास्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एटम किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है अब हम ज़रा बॉटम से टॉप की तरफ इस लेक्चर को समराइज करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं एटम्स होते हैं जो मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है फिर डिफरेंट मालिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनलीज बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनलीज मिलते हैं तो सेल बनता है फिर डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है फिर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर ऑर्गेनिजम्स मिलकर स्पीशीज़ बनते हैं फिर स्पीशीज़ से पॉपुलेशन बनती है और बहुत सारी पापुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं और फिर कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के रिलेशन से इकोसिस्टम बनता है और फिर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनता है दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर मजीद इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें शुक्रिया